हेलो एवरीवन, इट्स मुशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो क्या सर वो सब, और ऐसे तो आज है पाकिस्तान और इंडिया का मैच, वर्ल्ड कप का दूसरा मैच। पाकिस्तान अपना पहला मैच हार गई थी, जिसका हम लोग को पूरी आवाम को इतना ज़्यादा दुख था, क्योंकि वो हारी यूएसए से थी। तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है ना उसका हम लोगों ने दुख सुख मना लिया। अब कोई बात नहीं, अब दोबारा से अपनी टीम को सपोर्ट करने का टाइम हुआ जाता है, क्योंकि आज है इंडिया के साथ मैच, जिसका मतलब हम लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं। और जो है ना बहुत ज़्यादा इस मैच को देखने में मज़ा आता है, लेकिन अगर हार जाए तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तानी टीम जो है ना बिल्कुल जो है ना मतलब एक दोबारा जज्बे से उनको मैच खेलना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पहले बहुत दिल टूटे हुए यूएसए के मैच से, पूरी आवाम जो है ना बहुत टूटी हुई थी। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने कहा कि हम लोग चलो दोबारा सपोर्ट कर लेते हैं अपनी टीम को, पूरा वर्ल्ड कप हमें सपोर्ट करना तो है। कोई एक मैच हारने से, कोई वर्ल्ड कप से हम लोग बाहर तो नहीं हो गए। इंशाल्लाह हम लोग आज इंडिया वाला मैच हार जीत जाएंगे, और इसके बाद आयरलैंड से और कैनेडा से भी इंशाल्लाह जीत जाएंगे, फिर हम लोग सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज वाले मैच में हमने अपनी टीम को फुल सपोर्ट करना है और मैच देखना है। अभी 2 घंटे पड़े हुए हैं, मैं पहले से ही तैयार होकर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे इंतजार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछला वाला मुझे दुख भूल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अब जो न्यू मैच आ गया है, न्यू टीम को सॉरी टीम को सपोर्ट करते हैं और बस दुख भुलाते हैं। Ready to counter punch in the green corner, Babar Azam. And the match referee on a big day, David Boone. Rohit will spin the coin. Bat. What's it, David? पाकिस्तान जो है टॉस जीत के, इतनी खुशी हो रही है टॉस जीतने की मुझे, क्योंकि मैं कब से दुआ कर रही थी कि पाकिस्तान मैच भी जीते और टॉस भी जीते। ये इंडिया के जो दो आउट हो गए, विराट कोहली और रोहित, अल्लाह मतलब जो इनकी मेन विकेट थी वो गिरी है यार, ये मतलब दोनों ओपनर थे। इतनी खुशी हो रही है, मतलब आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इंडिया की। दो कोहली और जो रोहित है ना, ये जो इनके मेन प्लेयर है ना, अगर इनके पार्टनरशिप बच जाती तो बहुत ज़्यादा शुक्र होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों आउट हो गए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यार मैच देखने। ये इंडिया के हो गए 3 आउट, और दूसरी विकेट भी लिए नसीम शाह ने 2 विकेट लिए हैं। और इतनी अच्छी आज पाकिस्तान माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहा है, जितना हमारा साथ आज बॉलिंग दे रही है उतना बैटिंग भी दे देना यार, तो कमाल ही हो जाए। अच्छा खासा ये लोग मैच जीत सकते हैं, क्योंकि अभी तक इतना स्कोर भी नहीं बना और 3 आउट भी हो गए हैं। मेन इनके प्लेयर आउट हो गए हैं यार, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा विराट और रोहित का था, क्योंकि वो आउट हो चुके हैं, 3 आउट हो गए हैं। अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब पिछला जो है ना दुख भूलता जा रहा है यूएसए वाला, तो बस इसी तरह जल्दी जल्दी से इनका आउट थोड़ा सा टारगेट ही बनना चाहिए, पर बनना चाहिए ताकि हमारे जो है ना बैट्समैन आराम से चेस कर पाएँ और बाबर रिजवान जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और बस ये सूर्या गया, 4 आउट हो गए फाइनली। अभी मेरा 1 आउट हो जाए ना फिर भी गेम सेट शुक्र अल्लाह हमारी बैटिंग भी इसी तरह चल जाए यार, जिसने आज माशाल्लाह बॉलिंग हुई है ना, वाह ये इतना अच्छा कमबैक नसीम शाह ने किया है इंडिया के मैच में, 3 विकेट वो भी मेन, कमाल यार। अच्छा लग रहा है ना देखने में, 97/7 आउट, वाह आर्मी ने 2 विकेट ले लिया बैक टू बैक।
अरे तो आज तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया, 119 का टारगेट, और मुझे इतनी खुशी हुई है ना, सारी खुशियाँ मिला के देख ली कि इंडिया के ऑल आउट होने की खुशी सबसे ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। मैंने इंडिया कोई पाकिस्तान से पहली दफ़ा ऑल आउट होते हुए देखा, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और 119 का टारगेट, मतलब टारगेट तो बहुत ज़्यादा कम है, इंशाल्लाह हमारे जो है ना बैट्समैन ये टारगेट जो है ना बना लेंगे, और अभी जो है ना बैटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं जल्दी से जाके बैटिंग देखती हूँ। इतनी ज़्यादा मैं आज खुश हूँ ना यार, यूएसए से आने का सारा दुख भूल गया। अल्लाह ताला बस पाकिस्तान की बैटिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और अभी मेरा बस ये ना मैच जीत जाए, और फिर जो है ना खुशियाँ ही खुशियाँ पाकिस्तान में। अभी जाके देखते हैं बैटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। जय रिजवान, क्या कर रहे हो ब्रो? पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, क्या छूट गया उसका? शुक्र अल्लाह, बाबर और रिजवान ही क्या करें। हमारी बॉलिंग भी तो अब्बा थी। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग खुश होने का एक दफ़ा भी मौका नहीं मिला, उसके बाद हम लोग बस इंतज़ार ही करते रहे कब 6 और 4 लगेगा और जो है ना कब हमारी टीम जीतेगी, बस यही हुआ। और उसके बाद जो है यार ये तो क्यों नहीं कम हो रहा है, हमारा मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये क्या हम लोग हमार के परफॉर्म करेंगे, हम इनको कब तक सपोर्ट करें यार? ये सपोर्ट करना हम सच में ही छोड़ेंगे, लेकिन हमने जितना इस टीम को सपोर्ट किया हम शायद कुछ जो है ना वो टीम हमें भी सपोर्ट कर ले, कुछ अपने फैंस का भी ख्याल कर ले यार। मेरे पास ना जो है ना इस मैच के बाद कोई अल्फाज नहीं है कि मतलब जो मैं अपने घर वालों से लड़ी थी ना, इस टीम को कुछ बोलो ना इस टीम को कुछ बोलो, मैं इनको कैसे डिफेंड करूँ, मतलब बस हो गई है। सपोर्ट करना ही जरूरी, लेकिन इस मैच के बाद मेरी बस हो गई है, मेरा बहुत बेहतर कैसे दिल छूटा है। अच्छा तो कल मैंने जो है इसके बाद कोई भी ब्लॉग नहीं किया था, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी लास्ट में, मतलब हम लोग जीता हुआ मैच यार, जीता हुआ मैच को यार था, इतना 120 मतलब टारगेट था, मुझे लगा था पाकिस्तान आसानी से चेस कर लेगा, एक यार इतनी विकटें भी नहीं गई थी, आराम से ये लोग हम मैच जीत सकते थे, लेकिन यार पता नहीं इन्होंने लास्ट में क्या किया, इन्होंने कोई ना कोई 4 ना कोई 6 हम इंतज़ार ही कर दे रहे यार, कोई ऐसा जो है ना वो आएगा जिसमें ऐसा लगेगा कि अब मैच जीत गए, लेकिन नहीं उन्होंने ना पता नहीं क्या किया है, शायद इंतज़ार में थे लास्ट का, और लास्ट में लगे फिर भी कुछ नहीं कर पाए। इतना इतना ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि ये अच्छा खासा टारगेट था जो हम चेस कर सकते थे, इंडिया ने इतना कम टारगेट दिया था, इतनी अच्छी हमारी बॉलिंग थी, इतना आराम से हम लोग मैच जीत सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग के फिर से दिल टूट गए यार, हम लोग कितने मैच का मूव ऑन करें, हम लोग के हर वर्ल्ड कप में यार ऐसे हो जाता है, हम लोग के साथ कोई ना कोई मैच उठाना होता है, या तो पिछला मैच ना आ जाते यूएसए वाला तो अब हमारे जो है ना चांस होते हैं थोड़ी, लेकिन अब यूएसए वाला मैच भी आ गए हैं और इंडिया वाला भी आ गए, सिर्फ 2 मैच रह गए हैं कैनेडा और आयरलैंड के साथ, पता नहीं क्या होगा, हमारे चांसेस तो मतलब बहुत कम है ना आने के बराबर, लेकिन चलो पहले भी ऐसे होता था चांसेस नहीं होते, लेकिन इस दफा जो है ना टीम ने बहुत दिल तोड़ा यार, मुझे इस दफा पक्का था हम लोग ये वाला मैच जीते, क्योंकि इतना कम टारगेट था, पता नहीं बैट्समैन ने क्या किया और बस दिल तोड़ गया हमारा फिर से, लेकिन हमको ना मैच देखना छोड़ देते हैं क्योंकि अपना डी टाइम बहुत ज़्यादा क्या है, बस यहाँ पर होता है मेरे ब्लॉग का, नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।